नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने लेके आए आप लोगों की फेवरेट वेज रेसिपी पनीर। आप लोगों का फेवरेट पनीर आज हम बनेंगे थोड़ा नए तरीके से, वो भी गेस कीजिए लोगों का फेवरेट पनीर नया रेसिपी, रसीले पनीर विद वाइट सॉस, वाइट क्रीम आप जो बोल सकते हैं। अच्छा है। आप लोगों को पता होगा पनीर में बहुत सारे विटामिन है, बहुत सारे कैल्शियम है। वेजिटेरियन लोग अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो वेट बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका पनीर का फ़ायदा ले सकते हैं वेट गेन करने के लिए। जो वेजिटेरियन लोग अपना सेहत बनाना चाहते हैं तो वो पनीर खा के अपना सेहत बढ़ा सकते हैं। ये बहुत सारे कैल्शियम है, वेट इंक्रीज भी करता है, लोगों का बोन भी स्ट्रांग करता है। आप भी खाइए, सब लोग इसको खा सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप सभी लोग खा सकते हैं, वेजिटेरियन लोग और नॉन वेजिटेरियन लोग। जाते एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा रेसिपी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बहुत अच्छा है। सुनोगे मैं कहाँ से लूटा के लाई हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँ? नहीं दोस्तों, ये अपना एक्सपेरिमेंट किया गया, इस रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी ट्राई करती हूँ, सबका ओपिनियन लेती हूँ, देन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अच्छा लगेगा। रसीला पनीर आज हम बनाएंगे विथ व्हाइट क्रीम। ओके दोस्तों, आइए आज हम बनाते हैं। एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए, नए नए रेसिपी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने यहाँ पर पनीर ले लिए, इसको भी काट लिए हैं। आप चाहे तो छोटा बड़ा जो साइज करना चाहे तो कर सकते हैं। हमने यहाँ पर हमारे हिसाब से काट लिए हैं। अब इसमें एक टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, एक टेबलस्पून नमक डालेंगे। हमें नमक थोड़ा कम डालना है। यहाँ पर पनीर का काम हो गया है, अब मसाला देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक कटा हुआ टमाटर लिए हैं, दो कटा हुआ प्याज लिए हैं, दो लाल मिर्ची लिए हैं, कुछ टुकड़े अदरक लिए हैं, कुछ लहसुन, एक टेबलस्पून जीरे लिए हैं। हमें ये सब ब्लेंड करना है अलग अलग से। हमें यहाँ पर टमाटो को छोड़कर बाकी सब को ब्लेंड कर लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा मसाला, ये रहा हमारा टमाटो प्यूरी, ये रहा पीनट और आलमंड का पेस्ट। आप देख रहे हैं ये तीन पेस्ट हमें चाहिए, रसीले पनीर बनाने के लिए हमें ये तीन पेस्ट ज़रूरत है। पैन लेते हैं, पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। ऑयल अब गर्म हो गया है, अब पनीर को डालते हैं। हमें यहाँ पर पनीर को मीडियम आंच में थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है। यहाँ पर हमारा पनीर बहुत स्मूथ है, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ब्राउन करना है। याद रखिए हमें यहाँ पर पनीर को ब्राउन, थोड़ा थोड़ा ब्राउन करना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ब्राउन भी हो गया, आप इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए हमारा पनीर अब ब्राउन भी हो चुका है और स्मूथ भी बहुत है। पनीर को निकाल के अब उस पैन में हमें प्याज को थोड़ा फ्राई करना है। अब 1/4 सॉल्ट डालेंगे ताकि प्याज जल्दी बन जाए। देखिए हमारा ऑनियन अब बन गया है, हमारा प्याज बन चुका है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन भी हो गया है। अब मसाला को डालेंगे, ये मसाला का पानी भी डाल दिए। हमने 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, इसको थोड़ी देर तक कवर कर लेते हैं। देखिए हमारा मसाला बन गया है, पानी भी सूख गया है, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। मसाला होने के बाद टमाटर प्यूरी डालेंगे, हम थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। अब मसाला को 5 मिनट तक कवर कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा ग्रेवी बना है। अब इसमें पनीर डालेंगे। पनीर को मसाला में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम 5 मिनट तक कवर कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से पक जाए। देखिए हमारा पनीर अच्छी तरह से पक गया है मसाला के साथ। अब 1/2 कप पानी देके इसको पकाएंगे 5 मिनट तक। हमें पनीर को ग्रेवी में अच्छी तरह से पकाना है 5 मिनट तक। अब इसको कवर कर लेते हैं। देखिए हमारा पनीर का ग्रेवी बन गया है, अच्छी तरह से बना है। अब इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट के बाद आलमंड और पीनट का पेस्ट डालेंगे। हमें पीनट एंड आलमंड का पेस्ट को अच्छी तरह से पनीर में मिक्स करना है।
मिक्स करने के बाद इसी ग्रेवी में हमें इसको पकाना है 5 मिनट तक, तभी तो बनेगा हमारा रसीले पनीर विथ व्हाइट सॉस। अब इसको 5 मिनट तक कवर कर लेते हैं। आप जो चाहे बोल सकते हैं फॉर रसीले पनीर विथ व्हाइट क्रीम और व्हाइट सॉस। देखिए हमारा रसीले पनीर अब रेडी है। अब इसका प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए कितना सुंदर बना है, देखकर मुंह में पानी आ रहा है। आप भी बनाइए और टेस्ट कीजिए। आप इसको रोटी में, चपाती में, नान के साथ और राइस के साथ, सभी के साथ खा सकते हैं। देखिए हमारा गर्मा गर्म रसीले पनीर अब रेडी है। रसीले पनीर विथ व्हाइट क्रीम टेस्ट कीजिए और बताइए। मैंने तो टेस्ट कर लिया, बहुत टेस्टी है। आप भी बनाइए और टेस्ट कीजिए। दोस्तों जरूर ट्राई कीजिए, खाने में बहुत टेस्टी है रसीला पनीर विथ व्हाइट क्रीम। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा जरूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए। ये मेरा रेसिपी है, मैं आप थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक लाइक तो बनता है।